नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल गौतम ऑनलाइन स्टडी में। आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं आप किस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि आपको हम उस तरह की वीडियो प्रोवाइड कर सके उस एग्ज़ाम से संबंधित। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है आपके अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्नों का है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। चलिए आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप सभी को लास्ट तक देखना है एंड शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसान विकास पत्र योजना में न्यूनतम लॉक इन पीरियड कितना होता है? किसान विकास पत्र योजना में न्यूनतम लॉक इन पीरियड कितना होता है? तो यह होता है आपका 30 मंथ होता है आपका न्यूनतम लॉक इन पीरियड। ठीक है, न्यूनतम लॉक इन पीरियड कितना होता है आपका? तो 30 मंथ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन सेकेंड, रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? रिवर्स रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है और प्रेजेंट टाइम पे कितना है आपका रिवर्स रेपो रेट? ये आपके लिए क्वेश्चन है, तो जरूर कमेंट्स में बताएं आप सभी। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट जो निर्धारित करता है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा रिवर्स रेपो रेट निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन थर्ड, जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक जो आपका RBI है वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है यानी लोन देती है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिस रेट पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, लोन देता है, उस रेट को क्या कहते हैं? तो उस रेट को कहा जाता है आपका बैंक रेट कहा जाता है, जिस रेट पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन फोर, इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी आपके 1996 में की गई थी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन फाइव, राज्य के राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था में सर्वाधिक अंश किसका होता है? तो राज्य का जो राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था में सर्वाधिक अंश किसका होता है? तो यह होता है आपके केंद्रीय सरकार से प्राप्त ऋण का सर्वाधिक अंश होता है आपके राज्य के राजकोषीय घाटे की वित्तीय व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सिक्स, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है आपके? तो इसका जो मुख्यालय है आपके बैंकॉक में है इसका हेडक्वार्टर आपका इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन सेवन, नायक समिति का संबंध किससे है आपके? तो जो नायक समिति है वह संबंधित है आपके लघु उद्योगों से संबंधित है आपके नायक समिति। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन एट है हमारा, स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, आप सभी को जानकारी होगी अगर आपने पढ़ा होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं वे व्यक्ति कहलाते हैं तेचड़िया या बुल्स कहलाते हैं। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, एक होता है आपका तेचड़िया, एक होता है आपका मंदड़िया। ठीक है, तो तेजड़िया व मंदड़िया जो ये शब्द हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ये आपकी स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? तो तेजड़िया या बुल्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन है हमारा, सिडबी किससे संबंधित है आपका? एक होता है आपका सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सेबी किससे संबंधित है,
तो ये आपके संबंधित होता है स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वर्ड है आपका सेबी, जो कि एक संस्था है, ठीक है। तो सेबी किससे संबंधित है, तो स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। सिडबी किससे संबंधित है, सिडबी संबंधित है आपके लघु उद्योगों से, सिडबी संबंधित है आपका लघु उद्योगों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे इस वीडियो का, पिछले दिनों भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पोर्टल आरंभ किया जो कानूनी फर्मों के अवैध तथा अनाधिकृत धन के प्रवाह को नियंत्रित करेगा, इस पोर्टल का नाम क्या है। देखिए, एप्लीकेशन ऐप लॉन्च की जाती हैं, पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं, तो ऐप और पोर्टल जो लॉन्च किए जाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनता है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने आपके साथ डिस्कस किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सचेत, ठीक है। सचेत उस पोर्टल का नाम है जो कि आपके भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पोर्टल आरंभ किया है जो कानूनी फर्मों के अवैध तथा अनाधिकृत धन के प्रवाह को नियंत्रित करेगा, ठीक है। ये थे हमारे आज के इस पार्ट के 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप स्टडी रिलेटेड शेयर करते हैं सभी ग्रुप पे जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले देख सकें। साथ ही आप सभी को बताना है आप किस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जिससे कि हम उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।